कोरोना के कारण मुंबई छोड़कर इन जगहों पर होगी टीवी शोज की शूटिंग, आप भी जानिए। दोस्तों मैं पायल फिर लेके आई हूँ कुछ अलग और कुछ नया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको टीवी शोज के बारे में बताऊंगी जिन्होंने कोरोना के चलते अपने रास्ते ही मोड़ लिए हैं, तो आप भी जानिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल से लेकर 1 मई सुबह 7 बजे तक कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। फिल्मों से लेकर टीवी शोज और वेब सीरीज तक की शूटिंग मुंबई में बंद कर दी गई है। इस कारण शो मेकर से लेकर कलाकारों के बीच टेंशन और डर बैठ गया है। उन्हें लग रहा है कि कहीं फिर से बिना काम के घर ना बैठना पड़ जाए। 15 दिन के इस लॉकडाउन के कारण पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मुश्किल में आ गई है। टीवी इंडस्ट्री का तो खासा नुकसान होने वाला है। डेली सोप की शूटिंग 7 दिन चलती है और ऐसे में सवाल है कि आखिर 15 दिन के एपिसोड की शूटिंग कैसे की जाए। इस चक्कर में अब मेकर्स ने अपने अपने टीवी शोज की शूटिंग के लिए नए लोकेशन तलाशने शुरू कर दिए हैं। टीवी शो हमारी वाली गुड न्यूज की पूरी टीम शूटिंग के लिए हरियाणा के मानेसर में शिफ्ट होने वाली है। ये फैसला इसीलिए किया गया ताकि जब तक सरकार शूट पर लगे बैन को हटाने का फैसला नहीं करती तब तक शूटिंग में खलल ना पड़े। इमली और मेहंदी है रचने वाली टीवी शोज की शूटिंग भी मुंबई के बजाय हैदराबाद में होने वाली है। ई टाइम्स टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने बताया कि इमली और मेहंदी है रचने वाली शो के मेकर्स ने लोकेशन को हैदराबाद के रामजी राम राव स्टूडियो शिफ्ट करने का फैसला किया है। हालांकि शूटिंग लोकेशन चेंज करने के साथ ही मेकर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज और मुश्किल ये आ रहा है कि आखिर एपिसोड को किस तरह शूट किया जाए और कैसे ऑन एयर किया जाए। वहीं कई टीवी शोज अब हैदराबाद के अलावा अंबरगांव और गोवा में शूट किए जा सकते हैं। शो के मेकर्स इन जगहों पर अपनी शूट लोकेशन की तलाश में है। टीवी शो गुम है किसी के प्यार में के प्रोड्यूसर राजेश राम सिंह ने ई टाइम्स को बताया कि हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है और वहां शूट बंद किए जाने की बहुत ही कम संभावना है। गोवा में भी शूटिंग की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वहां उन्होंने इंडोर शूट के लिए एक बंगला देखा है। वहीं प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी अपने शो राधा कृष्ण के अलावा अंबरगांव के अपने स्टूडियो में शूट करने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं यहां पहले से ही अपने शो राधा कृष्ण की शूटिंग कर रहा हूं और यहां पूरी तरह से ग्रीन जोन है और सारी सुविधाएं हैं। ये जगह मुंबई से 2.5 घंटे की दूरी पर है, जहां कुछ प्रोड्यूसर्स काम रुकने के डर से अपने शो की शूटिंग लोकेशन को शिफ्ट करने का फैसला कर चुके हैं। वहीं कुछ प्रोड्यूसर्स इसे समस्या समाधान नहीं मानते। टीवी शो पुण्यश्लोक अहिल्या बाई और रुद्रकाल के प्रोड्यूसर नितिन वैद ने कहा कि वे सरकार के आदेश के मुताबिक चलेंगे और उन्हें अपने शोज की शूटिंग रोकनी पड़ेगी। वहीं डांस दीवाने सीजन 3 के प्रोड्यूसर अरविंद राव का कहना है कि उन्होंने कई एपिसोड शूट करके बैन किए हुए हैं और इसीलिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, पर असली दिक्कत अगले हफ्ते के बाद शुरू होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसी ही तड़कती भड़कती खबरें लेकर। जी हाँ, तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल डेली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।